फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फैशन एंड मी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है एंटी एजिंग स्किन केयर टिप्स। तो मेरे सारे दिए हुए टिप्स को ध्यान से देखे और वीडियो के एंड तक बने रहे। तो लेट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यंग लुकिंग स्किन पाना हम सभी की चाह है, लेकिन रिंकल्स, फाइन लाइन्स और डार्क स्पॉट्स किसी को भी पसंद नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम बुढ़ापे से भाग नहीं सकते, लेकिन हम उसे कुछ हद तक काबू जरूर कर सकते हैं और अपने स्किन को एंटी एजिंग रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ रेमेडीज को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे क्रीम्स पाए जाते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो क्रीम लगाने से रिंकल्स, फाइन लाइंस और डार्क स्पॉट्स परमानेंटली डिसअपीयर किए जा सकते हैं। क्रीम्स में जो केमिकल्स यूज होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, और वैसे भी जितने भी क्रीम्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और जिनका कोई खास रिजल्ट भी नहीं मिलता है। मगर मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे होम रेमेडीज लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी और आपके स्किन को हार्म भी नहीं करेगी। जो हमारा पहला रेमेडी है वो है हनी। आपको 2 चम्मच हनी ले लेना है। उसे आपको अपने फेस और अपने नेक पे लगा के 2 मिनट तक मसाज देना है। मसाज देने के बाद उसे अपने फेस और नेक पे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद नॉर्मल टैप वाटर से धो लीजिए। इसे आप हर दिन रिपीट कीजिए या नहीं तो अल्टरनेटिव डेज में भी रिपीट कर सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हनी हमारे लिए फायदेमंद क्यों है। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। इसे लगाने से हमारा स्किन काफी मॉइस्चराइज रहता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस को ठीक करने में मदद करती है। जो हमारा दूसरा रेमेडी है वो है कैस्टर ऑयल। हमें अपने हाथों में कुछ ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल के ले लेने हैं, फिर उसे अपने फेस पे और अपने नेक पे अच्छे से मसाज देना है। बेहतर होगा आप इसे रात को लगाएं और पूरी रात अपने फेस और नेक पे लगा के छोड़ दें। ये आपको हर अल्टरनेट डेज में करना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब हम ये जान लेते हैं कि कैस्टर ऑयल क्यों हमारे स्किन के लिए फायदेमंद है। अगर आपका स्किन ड्राई है, कैस्टर ऑयल के लगाने से आपका स्किन हाइड्रेटेड रहेगा, जिसके वजह से रिंकल्स, फाइन लाइंस और डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। जो हमारा तीसरा रेमेडी है वो है पोटैटो, यानी कि आलू। आपको एक पोटैटो ले लेना है, उसे आपको अच्छे से ग्रेट कर लेना है, फिर उस ग्रेट के पोटैटो से आपको उसका जूस निकाल लेना है। फिर आपको एक कॉटन बॉल ले लेना है। कॉटन बॉल या फिर कॉटन पैड को आपको उस जूस में सोक कर लेना है और अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है कॉटन बॉल के मदद से। इस पोटैटो जूस को आपके फेस और नेक पे लगाकर 15 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना है। इस रेमेडी को आपको हफ्ते में 2 बार अप्लाई करना है। अभी हम ये जान लेते हैं कि पोटैटो हमारे स्किन के लिए क्यों फायदेमंद है। पोटैटो में विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे स्किन को डैमेज होने से बचाता है और स्किन के ढीलेपन को रोकता है। और पोटैटो के वजह से ही आपको बहुत आसानी से रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस दूर करने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूले और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा आज का टिप्स कैसा लगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।